स्वागत है आप सबको वाइटिलिटी T20 ब्लास्ट के दिन के आखिरी मैच के अंदर। मुकाबला है यहाँ पर ईसेक सीगल्स बनाम ससक शार्क्स के बीच में, जो खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड सेलेंसवॉर्ड पे। मैच टाइमिंग है रात के 11:30 बजे। तो फिर से आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेम देखने को मिलेगा फॉर द स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग। लास्ट मैचेस के रिजल्ट्स की बात करते हैं। हमेशा कहता हूँ मैं रिजल्ट्स इसलिए दिखाता हूँ जो नए यूजर्स होते हैं उनको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ सके स्टैट्स कैसे फॉलो करना है और ये वीडियो पूरा क्यों देखना है। तो आप देखो यहाँ पर 25 मेंबर्स के अंदर पहला रैंक आया था। कोशिश करेंगे अपन वही फॉर्म लेके चले जो लास्ट मैच था नॉटिंघम लंकाशायर का। 24 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें, 24 को 24 वहाँ पे वन साइडेड विनिंग करी थी। फॉर्म बहुत मैटर करता है फैंटेसी में। अगर आप 10 में से एक मैच जीत रहे हो, दो मैच जीत रहे हो तो खेलने में मजा नहीं है। आप 10 में से 7-8 मैच जीत रहे हो तो खेलने का मजा है, हमेशा मैं वही कहता हूँ। तो अपन कोशिश करेंगे कंसिस्टेंसी बरकरार रखें। और यहाँ पर 11 मेंबर्स में पहला रैंक था जो लास्ट मैच E6 का था उसके अंदर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, इसका फायदा क्या है, यहाँ पर मैं पिच की फोटो डालता हूँ जैसे हमेशा मैं करता आया हूँ, प्लेइंग ग्राउंड डालता हूँ विद द बैटिंग ऑर्डर, कुछ चेंजेस होता है मैं आपको बताता हूँ कौन से बॉलर बॉलिंग कर सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रख सकता है, ये सारी जानकारी टेलीग्राम पे आती है। ज्वाइन कैसे करना है लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। चलते हैं काउंटी ग्राउंड चैलेंजवॉर्ड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो इस वनडे के ऊपर लास्ट मैच हुआ था 2 जून को, ठीक है, 4 दिन पहले हुआ था। ईसेक्स और हेम्पेशर का गेम था, फिर से हाई स्कोरिंग गेम था वो। इस वेन्यू के ऊपर हेम्पेशर पहले बल्लेबाजी करती है, विंस का शतक आता है, जेम्स विंस का 103 रन की पारी आई थी और हेम्पेशर वहां पे 214 बना देती है। मतलब सोचो विंस 103 बनाता है और फिर ईसेक्स की टीम होम टीम चेस करने आती है, 96 पे ऑल आउट हो जाती है। ओ भाई साहब, जो टीम थी पिछले मैच के अंदर ईसेक्स हेम्पेशर से नहीं हारी थी, जेम्स विंस से हारी थी लग रहा है मेरे को। अब देखो उससे पहले 195 बना 7 विकेट गवा के, जो टीम चेस करने आती है 19.1 ओवर्स के अंदर टारगेट चेस कर जाती है। ईसेक्स का मैच था वो और ईसेक्स वहाँ पर टारगेट चेस कर गई थी 19.1 ओवर्स के अंदर ही। फिर देखो आप यहाँ पे 254 बना 5 विकेट गवा के, जो टीम चेस करने आती है 185 बना देती है, 200 बना, 188 बना, 244 बना। हाई स्कोरिंग वेन्यू है भाई साहब, एकदम हाई स्कोरिंग, बहुत रन बनता है, इतना सा मैदान है ये, हाथ में समझ जाए इतना सा मैदान है ये। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर ईसेक्स का होम ग्राउंड है, 113 मैच खेला है, 58 मैच यहाँ पे जीता है और ससक्स ने यहाँ पर 16 मैच खेल के 10 मैच जीता, अच्छा रिकॉर्ड है। यहाँ पर घर वापसी करेंगे रवि बोपारा, ईसेक्स का प्लेयर है रवि बोपारा, अपने होम टीम के अगेंस्ट इस बार खेलने वाला है वो। प्रति ओवर यहाँ पे 10.5 के आसपास रन बनते हैं फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में 9.5 के आसपास रन बनते हैं। और जो लास्ट मैच था ईसेक्स और हेम्पेशायर का, उस गेम में 9 विकेट पेसर का और 9 विकेट स्पिनर्स का था। यूज पिच थी, ये भी आपको याद रखना है, इसलिए स्पिनर्स गेम में आए थे। लास्ट 9 मैचेस में क्या हुआ है, पेसर्स ने 72 विकेट्स निकाला है, पहली पारी में 38, दूसरी पारी के अंदर 33। राइट आर्म पेसर 48, लेफ्ट आर्म पेसर 24 विकेट्स हैं यहाँ पर, इतना आपको याद रखना है। एक करेक्शन होगा, यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में 34 विकेट है, मेरे को जितने याद आता है 38 पहली पारी में था, 34 दूसरी पारी में था, इसको करेक्ट कर लेना। अब देखो स्पिनर्स की बात करें तो 42 विकेट्स है, पहली पारी में 20, दूसरी पारी के अंदर 22 है। ऑफ स्पिनर्स का 18, लेग स्पिनर्स का 14, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 10 विकेट है। बस एक करेक्शन याद रखना, सेकंड इनिंग्स में 33 नहीं होगा, 34 होगा यहाँ पर। मेरे को लास्ट मैंने एक बॉलर आई थिंक यहाँ पे नंबर एड नहीं किया था इसलिए। ये आप देखो पिच की फोटो, ऐसी पिच दिखती है, ये लास्ट मैच की पिच की फोटो है, यूज सरफेस था, ये मैच से पहले की पिच की फोटो थी, यहाँ पे पहले पैचेस बने हुए थे थोड़े बहुत, अच्छा सरफेस है, छोटा सा मैदान। ये सेकंड लास्ट मैच की पिच की फोटो जब यहाँ पे पहला मैच हुआ था, बहुत ही बढ़िया सरफेस है। बाउंड्री देखो कितनी सी है, आपको लगेगा बाउंड्री इतनी सी है, भाई बहुत छोटी बाउंड्री है, 55 मीटर की बाउंड्री है सामने, 55 स्क्वायर बाउंड्री 67 लिख के रखा है, पर सीसी लिखा हूँ 60 मीटर की स्क्वायर बाउंड्रीज थी लास्ट मैच में मैं देख रहा था तब। या आप देखो स्टेडियम का व्यू, बहुत छोटा सा मैदान, हाई स्कोरिंग वेन्यू। ईसेक्स की बात करें तो कोई चेंजेस नहीं है स्क्वाड के अंदर, ससक्स की बात करें तो नथन मैकेंड्रू फिट एंड अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 33 मैच खेला है, ईसेक्स 16 जीती है, ससक्स शार्क 17 जीती है, एक भी मैच इनका नो रिजल्ट नहीं गया है। 11 की बात करें तो इस मैच के अंदर आपको डैन लॉरेंस वापसी करता हुआ दिखेगा स्क्वाड के अंदर, एडम वॉशिंगटन और डैन लॉरेंस ओपन करने चाहिए, माइकल पेपर वन डाउन आने चाहिए, फिर मैट क्रिस्टियाली, पॉल वाल्टर, फिरोज खुशी, इस टीम का सबसे बैलेंस्ड बैटिंग ऑर्डर लगता है। पिछले गेम में ये टीम सॉमरसेट से हारी थी 10-12 रन से, आखिरी दौर में 16 रन चाहिए था, बना जाते आराम से ये टीम, पर वो डैनियल सेम्स विकेट दे गया, कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहा था फील्डर्स को, वो करके पूरा मैच सेट हरा दिया। और एक और चीज़ क्या थी, इन्होंने एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया था उस गेम में, इस वजह से टीम पिछला मैच हारी थी। टॉम वेस्टी, फिर सिमन हार्मन, बेन एलिसन, सैम कुक, ये इस टीम की सबसे बैलेंस 11 लगती है, इनके ये एक बॉलर हो जाएगा,
सैम कुक एक बॉलर हो जाएगा, डैनियल सैम्स एक बॉलर, क्रिस चेली एक बॉलर, फिर बेन एलिसन और पॉल वॉल्टर आके फिफ्थ और सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन बन सकता है, इवन डेल लॉरेंस बॉलिंग कर सकता है। तो ये टीम का बहुत अच्छा ऑर्डर लगता है, लेट्स सी इस मैच में क्या होगा। इनके पास ना नंबर 10 तक पूरी बैटिंग है, बेन एलिसन ने शतक बना के आया प्रैक्टिस गेम्स के अंदर, बस सैम कुक थोड़ी बहुत बैटिंग नहीं करता, वरना हर प्लेयर बैटिंग करना जानता है इनकी टीम में, बहुत डेप्थ है इस टीम के अंदर। सेजेक शैक्स की बात करें, टॉम हैंस ओपन करेंगे, लेफ्टी है, टॉम क्लार्क लेफ्टी, टॉम अल्सोप लेफ्टी, टॉप तीन के अंदर लेफ्टी से स्टीवन हार्मर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रवि बोपारा, शदाब खान, माइकल ब्रुक्स, जॉर्ज गॉटन एक और लेफ्टी आ जाता है, नेथन मैकएंड्रू ओवरसीज प्लेयर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जेम्स कॉल्स, हेनरी क्रकुम्बे बहुत अच्छा डाल रहा है, टिमा मिल्स हमेशा अच्छा डालता है। फ्यान एडसन प्रेंटिस बेंच पर जाना चाहिए इस गेम में, कोई रोल नहीं है उसका ज़्यादा इस टीम के अंदर। एडम वॉशिंगटन 6 मैच खेल चुका है एटवुडे के अंदर, 142 रन है, 160 का स्ट्राइक रेट है, बैटिंग फर्स्ट 35, 95-3, चेस के ऊपर 1-1-7 इस सीजन के अंदर चला ही नहीं है, 3-4 मैच हो चुके हैं, पहले मैच में 5, फिर 3, फिर 23, फिर 6, रन बिल्कुल नहीं कर रहा। मैंने बस पहले मैच में पिक किया था और तीनों मैच में इसको ड्रॉप किया जितने मैंने फैंटेसी में खेले थे, तीनों मैच में ड्रॉप किया इस बंदे को मैंने, वॉशिंगटन को। ये प्लेयर बताऊँ क्या है, ये आएगा 10 में से एक या दो मैच में ऐसी पारी खेलेगा 100-150 पॉइंट दे जाएगा, ठीक है, 10 में से एक या दो मैच के अंदर, और बाकी मैच में फ्लॉप ही फ्लॉप होगा। तो आप ये करो कि आप इसको ड्रॉप करके ऐसा प्लेयर ले लो जो जनता नहीं ले रही हो और वो आपको पॉइंट दे जाए, तो आप 10 में से 8 मैचेस तो जीतोगे कम से कम फैंटेसी के अंदर, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो ये मैं फॉर्मूला अपना रहा हूँ और फॉर्मूला अभी तक कारगिल साबित हुआ है, लेट्स सी इस गेम में क्या कारगिल साबित होता है या नहीं। वैनी के ऊपर 12 मैच में 150 रन है, 16 की औसत है, 230 प्लस स्कोर से बैटिंग फर्स्ट करते हुए। डैन लॉरेंस का 5 मैच में 200 रन सिस्टम के अगेंस्ट अच्छे नंबर्स हैं, 59 नॉट आउट, 81-1, चेस के ऊपर 36-16, वेन्यू के ऊपर 33 मैच में 664 रन से छोटा सा मैदान, एंड डैन लॉरेंस इंपॉर्टेंट रहेगा, पार्ट टाइम बॉलिंग करता है, 11 विकेट निकाल चुका है वेन्यू के ऊपर, हेड टू हेड में 3 विकेट निकाल चुका है 5 मैचेस के अंदर। माइकल पेपर लास्ट मैच के हीरो रहे थे, लगभग 63 रन की पारी खेली थी, बहुत अच्छी स्टाइल है इसकी, एकदम डॉन ब्रैडमैन की तरह स्टाइल इस बंदे की, अगर आप इसको खेलते देखते हो बहुत अच्छा प्लेयर है। 6 मैचेस के अंदर 152 रन है, 145 का स्ट्राइक रेट है, बैटिंग फर्स्ट 34 नाबा 6 38 38 36 0, वेन्यू के ऊपर 17 मैच में 462 रन है। मस्ट पिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस टीम कोई बैटर है तो मेरे को माइकल पेपर लगता है। मैट क्रिस्टली 2 मैचेस के अंदर 5 विकेट 43 रन है, बैट फर्स्ट 34-9, बॉलिंग से इस टीम के अगेंस्ट 5 विकेट निकाल चुका है, लास्ट मैच में भी 3 विकेट निकाला था इसने। वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 11 विकेट्स हैं, अच्छे नंबर्स हैं यहाँ पर भी। पॉल वॉल्टर का 10 मैच में 2 विकेट्स, 143 रन बल्ले से, ये इस गेम में इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस मैच के अंदर मेरे को लग रहा है ये सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन होने वाला है, लास्ट गेम में तो 7th-8th बॉलिंग ऑप्शन था, बॉलिंग ही नहीं करने आया था। वेन्यू के ऊपर 34 मैच में 16 विकेट हैं, लेट्स सी इस गेम में क्या करता है। लास्ट टाइम इस वेन्यू पे खेला था तो उसने 2 विकेट निकाला था, अपनी टीम में भी था। फिरोज खुशी का 4 मैच में 91 रन है, एटवर्ड के अंदर लास्ट टाइम 55 किया था इस टीम के अगेंस्ट। वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 182 रन, अच्छे नंबर्स हैं, प्रैक्टिस गेम में अच्छे फॉर्म में था फिरोज खुशी। टॉम वेस्टी 13 मैच में 400 रन है, हेड टू हेड नंबर्स अच्छे हैं, बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, पहले टॉप ऑर्डर में खेलता था इसलिए नंबर्स अच्छे थे इसके। डैनियल सैम्स 3 मैच में 5 विकेट 92 रन, इंपॉर्टेंट फॉर द फैंटेसी प्रोस्पेक्टिव, लास्ट मैच के अंदर भी 14 रन 4 विकेट, सेकेंड लास्ट मैच में 7 रन 3 विकेट, 8 रन 1 विकेट, 15 रन 2 विकेट, तो आपको फैंटेसी वैल्यू देता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वेन्यू पर 8 मैच में 13 विकेट है, ऐसे तो प्लेयर आपको चाहिए टीम के अंदर जो आपको कहीं ना कहीं से वैल्यू दे सके। शिवन हार्मर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 3 लेफ्टीज टॉप ऑर्डर के अंदर है, तीनों लेफ्टीज हैं जो ओपनिंग करते हैं, 10 मैच में 14 विकेट हैं हेड टू हेड के अंदर, लास्ट टाइम हैट्रिक निकाली थी इस टीम के अगेंस्ट आपको याद हो तो। जी आप सही सुन रहे हो, इस सीज़न की जो पहली हैट्रिक है, पहली और एकमात्र हैट्रिक शिवन हार्मर ने निकाली है सीजन के अंदर, 36 मैच में 38 विकेट है स्वर्णी के ऊपर, फाइनेस्ट बॉलर। बेन एलिसन 3 मैच में 3 विकेट, हेड टू हेड में वेन्यू के ऊपर 8 मैच में 7 विकेट है, सैम कुक का 7 मैचेस में 5 विकेट है, इस सीज़न में तो यार कई मैचेस तो ऐसे हैं जिसमें 3 ओवर ही डालो भाई ने। वेन्यू के ऊपर 19 मैच में 21 विकेट्स, अच्छा बॉलर है वैसे। स्नेटर 2 में 2, रोबिन दास 3 मैचेस में 53 रन, वेन्यू पे 4 मैच में 107 रन, एरन लीजर इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार्टिंग ओवर सैम्स शिमन हार्मर, सैम कुक एलिसन, डेथ रो के अंदर डैनियल सैम, सैम कुक पॉल वॉल्टर। पिछले गेम में देखो क्या हुआ था, शिमन हार्मर का 7वां, 11वां, 13वां, 17वां था, सैम्स का 2रा, 6वां, 18वां, 20वां, सैम कुक का 1ला, 5वां, 15वां, 19वां, और एलिसन का 3रा, 9वां, 14वां, क्रिशली का 10वां, 12वां था लास्ट मैच में, उससे पहले 7वां, 10वां, 15वां, 18वां, अच्छा बॉलर है, लेट्स सी इस गेम में क्या करता है ये। टॉम हैंस
दो मैचेस खेले हैं इसने, 8 रन 9 रन किया है सीजन में, उससे पहले 29 किया हुआ था। हेड टू हेड वेन्यू पे नहीं खेला, बहुत कम खेलता है वैसे ये इस टीम के लिए T20। थॉमस क्लार्क मतलब टॉम क्लार्क एक मैच में 31 रन हेड टू हेड के अंदर बैटिंग फर्स्ट करते हुए, आई मीन बैटिंग सेकंड करते हुए, बैट सेकंड लिखा हुआ है, वेन्यू पे नहीं खेला। फॉर्म 7-9 36 31-9-8 कंसिस्टेंट बैटर नहीं है। टॉम अल्सो अच्छा प्लेयर है, लास्ट मैच में 58 भी किया था उसने, 11 मैचेस में 118 रन है हेड टू हेड के अंदर, 110 का स्ट्राइक रेट है, थोड़े खराब नंबर्स है। वेन्यू के ऊपर 6 मैच में 99 रन है। खासकर टॉम अल्सो बड़े मैदान में अच्छा खेलता है, सिंगल डबल निकालता है, एंकर का रोल अदा करता है, और लेट्स सी, वैसे तो बहुत बढ़िया प्लेयर है टॉम अल्सो। रवि बोपारा अपने घर के ऊपर वापसी करेंगे, 69 मैच खेला है स्वर्णी के ऊपर, 1400 रन है, 1 शतक 8 अर्धशतक 8 बार 30-50 स्कोर किया, 62 इनिंग्स में 60 विकेट है लगभग। हेड टू हेड के अंदर 7 मैचेस के अंदर 178 रन है, 150 का स्ट्राइक रेट है, 4 विकेट्स है। लेट्स सी कैसा प्रदर्शन देता है। टूर्नामेंट बहुत अच्छे से स्टार्ट किया था भाई ने, देखो कैसे स्टार्ट किया था, 88 रन 3 विकेट, मतलब यहाँ पर 70-80 पॉइंट दे गया दोनों मैचेस के अंदर, उससे पहले 0 विकेट 0 विकेट। पिछले 2 मैच में फ्लॉप हुआ है, स्टार्टिंग के 2 मैच में हिट हुआ था। शदाब खान 1 मैच में 3 विकेट, इंपॉर्टेंट होगा स्वैनी के ऊपर भी, स्पिनर्स गेम में आते हैं वैसे बेसिकली। माइकल ब्रक्स 2 मैच में 56 रन, स्वैनी के ऊपर 56 रन है बैटिंग फर्स्ट। नेथन मैकेंडू हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, लास्ट मैच में बहुत अनलकी था, नो बॉल डाली हुई बात अलग है, पर इसकी बॉलिंग में बहुत से कैच ड्रॉप हुए थे, 28 रन बल्ले से बनाए हुए थे, काम कर गया था अपना फैंटेसी से। जेम्स कॉल्स 1 मैच में 35 रन 0 विकेट है। जॉर्ज गटन का 6 मैचेस में 8 विकेट है, बॉल फर्स्ट में इंपॉर्टेंट होगा। वेन्यू के ऊपर भी 2 मैच में 7 विकेट निकाल चुका है बॉलिंग फर्स्ट। टिमार मिल्स एक्स प्लेयर एसेक्स का अपने घर के ऊपर वापसी करेंगे, 9 मैच में 7 विकेट है, बॉल फर्स्ट 6 मैच में 6, बॉल सेकंड 2 मैच में 1 विकेट है, हेड टू हेड के अंदर 7 मैच में 9 विकेट हैं, अच्छे नंबर्स हैं। डेथ और स्पेशलिस्ट टीम में जरूर रखो इस बंदे को। हेनरी कुकुम्बे 2 मैच में 1 विकेट हेड टू हेड के अंदर, वेन्यू पर 1 मैच में 0 विकेट है, रिसेंट फॉर्म अच्छा रहा वैसे। इंपॉर्टेंट नहीं। स्टार्टिंग ओवर गार्टन टिमार मिल्स क्रुकुम्बे नथन मैकेंड्रू, सेम फॉर द डेथ ओवर। गार्टन बस डेथ ओवर में नहीं आता आजकल। पिछले गेम में मिल्स का था 2, 12, 18, 20 फ्यान हेडसन प्रिंटस का 1, 3 था, नथन मैकेंड्रू का 4, 6, 15 था, बोबारा का 7, 9, 13, 16, हेनरी क्रुकुम्बे का 5, 11, 17, 19, शदाब खान का 8, 10, 14। शदाब खान 4 ओवर डाला सोचा लास्ट गेम में सॉमरसेट के अगेंस्ट। एडम वॉशिंगटन वर्सेस गर्टन कुरकुम्बे फियान हेडसन प्रिंटिस, फिरोज खुशी वर्सेस टिमान मिल्स, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 7 बॉल में 5 रन देके। मैट किसचिले का कोई खास मैचअप नहीं है, खेल भी अच्छा नहीं रहा सही कौन तो सीजन में, और कोई खास मैचअप नहीं है यहाँ पे। डैन लॉरेंस का टिमान मिल्स के सामने 3 इनिंग्स के अंदर 2 बार आउट किया टिमान मिल्स ने डैन लॉरेंस को, 13 बॉल में 19 रन देके। थॉमस क्लार्क टॉम अल्सो वर्सेस डैन लॉरेंस ऑफ स्पिनर है वो भी, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया 20 बॉल में 24 रन देके। शिमन हारवन ने 7 इनिंग्स में 5 बार आउट किया 25 बॉल में 27 रन देके, बहुत बड़ा मैचअप है ये टॉम अल्सो वर्सेस द सिम हामर। रवि भोपारा वर्सेस पॉल वाल्टर 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया 9 बॉल में 11 रन देके, रिवर्स फिक्स्चर है ये, सैम्स ने 11 बॉल में 19 रन देके 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। लास्ट टाइम दोनों ने 1 जून को फेस किया था काउंटी ग्राउंड हॉफ के ऊपर जो सक्सेस का ग्राउंड है, तो देखते हैं। एलिस्टर और इंजर्ड है। फ्री में आपको साइनअप बोनस के ऊपर ₹500 मिलता है विजनल पेन, तो साइनअप कर लो, कल बहुत बड़ा दिन है, WTC का फाइनल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, तो साइनअप कर लेना, ₹1,00,000 का फ्री गिव अवे वहाँ पर। एंट्री फीस यहाँ पर बहुत कम है, 0 कमीशन कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हो एंट्री फीस। कॉमन कैप्टन डैनियल सैम्स क्रिश्चियाली, बड़ी लीग में बनाओ माइकल पेपर, शदाब खान, भोपारा और नेथन मैकेंड्रू को रोटेट कर सकते हो, दोनों बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, 3-4 ओवर करते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। 1 मिलियन का मिशन देखते हैं कब पूरा होता है। अपना मोबाइल ऐप और वेबसाइट है statsstudio.com नाम से, आप जाके स्टैट्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। टोटल 64 स्लाइड स्टूडियो के अंदर है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबाओ तो टीम्स की बात करते हैं। तो फिलहाल मेरी ऐसी टीम बन रही है, इसके अंदर रवि भोपारा और स्मैश के अंदर मैंने रोशिंगटन को ले लिया है फिलहाल। लेट्स सी मैं क्या कर सकता हूँ, पॉल वाल्टर को ले सकता हूँ। अगर जो मैंने आपको इस मैच के अंदर 11 बताई है ना मेरी, जिसके अंदर मैं स्टैन स्नेटर को बाहर कर रहा हूँ, रॉबिन दास को बाहर कर रहा हूँ, और 5 रेगुलर बॉलर्स खिला रहा हूँ, और पॉल वाल्टर को मैं 6वां बॉलर बना रहा हूँ, तब मैं पॉल वाल्टर को टीम में लूँगा, नहीं लूँगा। टिमार मिल्स नेथन मैकेंड्रू इंपॉर्टेंट है, सैम कुक को मैं ले सकता हूँ एडम रोशन के बदले। लेट्स सी क्या होता है, लास्ट मिनट कॉल मेरा गटन को लिया हुआ, गटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर फॉर मी, जो इस गेम में बॉलिंग फर्स्ट करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कीपिंग में 3 प्लेयर्स हैं,
माइकल वेपर नो बैरियर ड्रॉप पिक, गलती से ड्रॉप मत करो, सीरियस टैलेंटेड प्लेयर है। लास्ट सीजन इस टीम का हाईएस्ट रन गेटर था माइकल वेपर। वॉशिंगटन ट्राई कर सकते हो, एटीएम स्टेप प्लेयर है भाई, ने चार मैचेस खेले बस, टेम्परेचर के अगेंस्ट चला था। टॉम अल्सो ट्राई कर सकते हो आप चाहे तो, अच्छा प्लेयर है, डिसेंट टेक्निक है, बड़ी बाउंड्रीज यहाँ पे नहीं है, लेट्स सी। लॉरेंस इंपॉर्टेंट, टॉम क्लार्क आप ट्राई कर सकते हो, मेरे को यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। फिरोज खुशी बाई चांस ओपन कर ले तो ट्राई कर लेना इसको। ऑलराउंडर में चले अडानल सैम्स इंपॉर्टेंट, क्रिश्चियन शिमर हार्मर, रवि बुपारा, शदाब खान, कर्टन के लिए तो मिलूंगा बॉल फर्स्ट में, पॉल वाल्टर दोनों पारे में इंपॉर्टेंट हो सकता है। टिमार मिल्स इंपॉर्टेंट, सैम कुक इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, अच्छा बॉलर है। नेथन मैकंडू को फिलहाल मैंने लिया हुआ है। क्रुकुम्बे को ट्राई करना ग्रैंड लीग के अंदर, बहुत अच्छा बॉलर है, लास्ट मैच में 3 विकेट भी निकाला था। और ये पता नहीं कहाँ चला गया डेलरे रॉलिंस, बहुत अच्छा प्लेयर है ये बर्मुडा का क्रिकेटर है, ओवरसीज लिस्ट में नहीं आता, बहुत अच्छा खेलता है ये। तो देखते रहे स्टैट्स यूजर लिंक ऑफ द टेलीग्राम, चलो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। सी सून, जय हिंद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना।